The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आपके लिए हमेशा की तरह लाई हूँ कुछ नई खबरें। एक तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जियो आपके आईपीएल के एंटरटेनमेंट के लिए एक धमाकेदार प्लान आपके लिए लेकर आया है, और सुशांत सिंह की मर्डर मिस्ट्री के बारे में भी आपको सारी लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको द डॉन एक्सप्रेस की वीडियो को अंत तक देखना होगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत बड़ी खबर जो है आपके फ़ोन से रिलेटेड। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और सीरीज ए के प्री ऑर्डर की तारीख तय कर दी है। इसके लिए 22 सितंबर को सुबह 9 बजे से प्री ऑर्डर किया जा सकेगा। जी हाँ, आप पहले से ही ऑर्डर कर सकते हैं। भारत उन सभी देशों में शामिल है जो प्री ऑर्डर किए जा सकेंगे। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे ये प्री ऑर्डर किया जा सकता है। सीरीज एक्स और सीरीज बहुत ही लाजवाब सीरीज हैं जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे, और ये सारे डिजिटल ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध होगी। अमेरिका में भी इसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर आप गैलेक्सी A51 जैसे फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं। एक और आपको बात बताना चाहते हैं आपके फ़ोन से रिलेटेड ही, इस बात को आगे बढ़ाते हुए, कि सैमसंग ने भारत में अपने कई स्मार्टफोन की कीमत में कटौती की घोषणा की है। इसमें सैमसंग गैलेक्सी A71, सैमसंग गैलेक्सी A51, सैमसंग गैलेक्सी A31, सैमसंग गैलेक्सी A21S और सैमसंग गैलेक्सी MO1S जैसे फ़ोन शामिल हैं। इन पर 1500 रुपये तक की कीमत घटाई गई है। इन कीमतों में अब कंपनी की साइट पर आप देखी जा सकती है। सैमसंग A71, भारत में सैमसंग A71 की कीमत 29,499 यानी 29,499 कर दी गई है, जो पहले 29,999 में बिक रहा था। इसमें 500 रुपये की कमी दी गई है। जी हाँ, ऐसे कई तरीके के फ़ोन्स हैं, चाहे वो ओप्पो रेनो 4 प्रो हो या फिर सैमसंग गैलेक्सी A51, जिसकी कीमतों में कमी की गई है। साथ ही साथ वीवो V19 से भी इसका कड़ा मुकाबला होगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके का स्मार्टफोन आप यूज़ करना चाहते हैं। सुशांत सिंह मर्डर के बाद कई ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो इंसाफ की लड़ाई में शामिल हैं। उनमें से अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम सबसे आगे आता है। अभिनेत्री कंगना रनौत बहुत ही बेबाक मानी जाती हैं और हमेशा सच बोलने वाली मानी जाती हैं। अभी हाल ही में अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, और इसी में अब कूद पड़ी हैं फिर से कंगना। उन्होंने कहा है कि एक बार उनके साथ भी ऐसा हुआ था। कंगना रनौत ने भी कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा किया। जैसे कि हम बता रहे हैं, कंगना ने कहा कि पायल घोष के साथ जो हुआ है वो साथ सबके साथ होता है। इंडस्ट्री में बड़े डायरेक्टर्स ने ऐसा किया है। कंगना ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले काम का बहाना बनाकर वो घर आते हैं, फिर जबरदस्ती भी करते हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी बात कही है कंगना ने। उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। लगभग 6 महीने के लॉकडाउन के बाद प्रशंसक महिलाओं के T20 चैलेंज के बारे में उत्साहित है, जो 1 नवंबर में UAE में आयोजित किया जाएगा। भारत की स्टार ओपनिंग बैट्समैन और महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पिच पर लौटने के विचार से ही खुश है। 4 महीने घर पर रहने के बाद प्रशिक्षण के लिए मैदान पर वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहना है स्मृति का। जी हाँ, लॉकडाउन अन्य तरीकों से भी लाभदायक हो रहा है। उन्होंने अपनी साथी क्रिकेटर के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वो समझती हैं कि किसी भी साक्षात्कार के दूसरे साइड पर होने का क्या मतलब है, और वो किसी भी तरीके के लोगों का सराहना करना चाहती हैं। स्मृति ने भी घर पर बहुत समय बिताया, अपने परिवार के साथ खेल खेल रही थी, ताश खेल रही थी। वेस्ट क्रिकेट प्रोग्राम के बीच फुर्सत के लम्हे जो असंभव लग रहे थे अब वो संभव है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले नेपाली मूल के पर्वतरोही तेनजिंग नोर्पे शेर्पा को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। भाजपा सांसद ने कहा कि तेनजिंग नोर्पे अभी तक वो सम्मान नहीं ले पाए हैं जिनका उन्हें हकदार माना है। जी हाँ, देश ने उन्हें पद्मभूषण दिया है, लेकिन भारत रत्न देने के वो काबिल हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सीट में सांसद राजू ने मंगलवार को लोकसभा में ये बात रखी कि न्यूजीलैंड के
एंडमंड हिलेरी के साथ भी तेंजिंग शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखा था। इसके बाद उन्हें स्पेशल ओलंपिक मेडल भी से भी सम्मानित किया गया। नासा ने भी उन्हें सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया जिसके लिए उनका उन्हें योगदान दिया है, इस लिहाज से उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। भाजपा सांसद ने दार्जिलिंग हिल्स एरिया की तरफ से तेंजिंग नॉर्पे शेरपा को भारत रत्न देने की मांग की है। कोरोना महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र जारी है जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस सत्र में मोदी सरकार औद्योगिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ जरूरी बिल लेकर आई है जिस पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इसी के बीच एक बिल है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 जिसको लेकर अभी भी बहस जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार इसे कर्मचारियों का विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग कर रही हैं। दरअसल क्षेत्रीय श्रम मंत्री संतोष जी ने लोकसभा के औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 पेश किया जिसमें औद्योगों और प्राइवेट कंपनियों को लेकर तमाम प्रावधान हैं। इस बात पर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ वो ये है कि 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के जब मन तब छटनी कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हायर एंड फायर के लिए कंपनियों को किसी की इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था जब छोटी कंपनियों को छटनी की छूट थी। नियम के तहत 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी बिना सरकारी की मंजूरी के कर्मचारियों को रख सकती हैं, उन्हें जब मन चाहे निकाल सकती हैं। लेकिन अब ये संख्या 300 कर दी गई है जिस पर सदन में बवाल हो रहा है। ताजमहल पर्यटकों के लिए खोले जाने के बाद इससे जुड़े करीब 4 लाख लोगों की जिंदगी में उम्मीदों का नया सवेरा होगा। लंबे समय से बेकार पड़े हाथों को फिर से रोजगार मिलेगा। जी हाँ, चाहे मार्बल का काम हो, जरदारी का या रेस्टोरेंट का, एक बार फिर पहले से खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, होटल फोटोग्राफर गाइड भी मोहब्बत की निशानी के पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। कई दिन बाद आज ताजमहल का दीदार फिर से किया जा सकता है। मार्बल का काम वहाँ पर आगरा में बहुत ज़्यादा होता है और रेस्टोरेंट भी और जरदारी का काम भी जोरों पर होता है। खासतौर पर मार्बल और जरदोजी दोनों ही काम बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, जरदोजी एसोसिएशन के संपादक ने कहा कि ताजमहल खुलने से उद्योग जगत में फैली नकारात्मकता भी कम होगी। जरदोजी उद्योग से जुड़े 50,000 लोगों को फायदा पहुँचेगा। शहर में ऐसे करीब 100 शोरूम हैं जहाँ पर्यटक अब आ सकते हैं। 35 करोड़ रुपए का ये पूरा कारोबार उन्हें मिल सकता है। दिल्ली में सबसे बड़े पुतला बाजार में रावण ने इस बार दस्तक नहीं दी है। जी हाँ, टैगोर गार्डन से सटे सितारपुर बाजार में पुतला कारोबारियों की मायूसी नजर आ रही है। हर साल इस बाजार में रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ पुतले तैयार होकर खड़े हो चुके होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। किनारे पर लिए लोग फुटपाथ, पार्कों व छतों पर पुतला बनाने वाले कारीगर व्यस्त नजर आते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 से परेशान कारोबारियों को ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि पिछले साल पटाखों पर रोक लगने के चलते कई जगह रावण दहन नहीं हुआ था। इस वजह से कारोबारियों को नुकसान झेलना पड़ा था। प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किए जाने के बाद पुतला कारोबारियों में भी उम्मीद जागी थी, लेकिन इस बार दशहरा का त्यौहार भव्य तरीके से आयोजित नहीं हो सकेगा कोविड-19 के कारण। BHU IMS की टीम ने गंगा किनारे रहने वाले कोरोना के प्रभाव पर शोध किया है। टीम ने जो शोध प्रस्तुत किया है उसमें कहा गया है कि गंगा जल का नियमित इस्तेमाल करने वालों पर कोरोना संक्रमण का प्रभाव 10% है। शोध पत्र को अमेरिका के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंक में प्रकाशित किया गया है। BHU ने न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर रामेश्वर चौरसिया से ये बात सर्वे सामने आई है। जी हाँ, इस बात पर कोई संदेह वो नहीं जता रहे हैं। टीम ने अपने शोध में दावा किया है कि स्नान करने वाले 90% लोग कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। इसी तरह गंगा किनारे से कई जिलों में कोरोना का संक्रमण बाकी शहरों की तुलना में 50% कम और संक्रमण के बाद जल्दी ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर ये बहुत ही प्रमाणित किया जाएगा अमेरिका के इंस्टीट्यूट में, तो ये और भी बड़ी बात होगी भारतवासियों के लिए। हमने आपको शुरुआत में कहा था कि जियो ऐसा क्या प्लान लेकर आया है जो आपके IPL को और एंटरटेनिंग बना देगा। दरअसल अब जियो लेकर आया है जियो क्रिकेट प्ले अलोंग लॉन्च
कर चुका है। जी हाँ, इस तरीके से आप भी साथ में क्रिकेट खेल सकते हैं। जियो क्रिकेट प्ले अलॉन्ग दरअसल क्रिकेट मैच के साथ चलने वाला वो गेम है जिसमें जियो ग्राहक प्रत्येक बॉल पर अपने क्रिकेट ज्ञान के अनुसार जवाब देंगे, इनाम जीतेंगे। इनाम जीतने के साथ साथ क्रिकेट के शौकीनों के लिए अपने क्रिकेटिया ज्ञान, क्रिकेटिया समझ को दिखाने का अद्भुत मौका भी मिलेगा। तो हुआ ना ये ज़बरदस्त प्लान जियो की तरफ से। वीआई एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें उसने यूजर्स के बिना किसी अतिरिक्त कॉस्ट के सिलेक्टेड डेटा के साथ एक साल Z5 प्रीमियम की मेंबरशिप दे रहा है। यूजर्स 405 रुपये का प्लान के साथ भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस प्लान में मेंबरशिप के अलावा यूजर को 90 GB डेटा और सभी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों तक है। Z5 प्रीमियम की ये मेंबरशिप कई और प्लान्स के साथ भी उपलब्ध है और इस प्रीमियम मेंबरशिप में यूजर्स को 12 भाषाओं में अलग अलग फिल्में और टीवी शो देखने को मिल सकता है। तो आप भी वीआई का प्लान खरीद सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं Z5 प्रीमियम प्लान का। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। लेकिन हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। से आभार। डेली हंस डेली हो। नमस्कार।